गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सेम लेक्चर, सेम चैप्टर ट्रायंगल्स. एंड लास्ट इन द लास्ट लेक्चर वी हैव टेकन सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 6.2. टुडे आई एम टेकिंग ऑफ सम ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.2 बिकॉज एमसीक्यूज क्वेश्चंस टुडे आई एम टेकिंग. फर्स्ट वी विल डू द कम्प्लीट द एक्सरसाइज 6.2 का. जो लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए थे उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो मैं ले रही हूँ. देन वी विल टेक द एक्स्ट्रा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9th आई एम टेकिंग हेयर. ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम. ए बी सी डी ट्रेपीजियम है. ध्यान से देखना कि हम इसको ट्रायंगल बना के फिर कैसे इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करके उसके सेम प्रोपोर्शन लाते हैं. ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी. यहाँ ए बी सी डी के पैरेलल एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ. इसके जो डायगोनल्स हैं वो यहाँ पर ओ पर इंटरसेक्ट कर. और हमें क्या प्रूव करना है, आपको शो करना है. वो जो शो करना है आई एम राइटिंग हेयर AO upon OC equal to OB upon OD. ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है. AO upon OB यहाँ पर लिखा है. AO upon OB equal to CO upon D. ये आपको प्रूव करना है. और गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन में बस इतना ही गिवन है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम और ए बी सी डी. यस स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन अगेन आई विल एक्सप्लेन. यू हैव गिवन टू थिंग्स. नंबर वन, एक तो ए बी सी डी ट्रेपीजियम है और ए बी पैरेलल टू सी डी है. और व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, एओ अपॉन ओ बी इक्वल टू एओ ओ सी अपॉन ओडी. हमारे पास ये गिवन है. लेकिन हमें चाहिए क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ. हमारे पास ए बी सी डी के पैरेलल है तो मैंने यहाँ से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी है क्योंकि मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. तो ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया. अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो मैंने लेट कर लिया कि मैंने एक फिगर ड्रॉ की है. यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है ओ ई दैट इज पैरेलल टू सी डी. आप उसे ए बी के पैरेलल भी लिख सकते हो क्योंकि अगर मैं ए बी के पैरेलल लिखूंगी तो मेरा ये ट्रायंगल आ जाएगा और अगर मैं सी डी के पैरेलल लिखूंगी तो मेरा ये वाला ट्रायंगल ए डी सी आ जाएगा. और अगर मैं इसको इसके पैरेलल लिखूंगी तो मेरा ट्रायंगल आ जाएगा ए बी डी. तो ये दो ट्रायंगल लेके हम इसको किस तरह से प्रूव करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन लिख दो. ड्रॉ OE parallel to AB. आप कुछ भी लिख सकते हो, CD के parallel भी लिख सकते हो, AB के parallel भी लिख सकते हो. क्योंकि अगर OE AB के parallel है then you can say OE parallel to CD also because AB parallel to CD also. So draw OE parallel to AB which meet at point E on line AD. Okay. Now proof देखो मैं किस तरह से इसे प्रूव करती हूँ. Now first I will take this triangle या ये वाला triangle ले लेते हैं. चलो triangle ABD में, in triangle ABD में OE parallel to AB ये आपने draw किया है by construction. तो अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन. ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो हम इसे किस तरह से सेम प्रोपोर्शन हम बनाएंगे. यहां पर हम लिखेंगे ए अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी. ओके, इसे मैंने नंबर वन दे दिया. ठीक है, नाउ आई विल टेक दिस ट्रायंगल ए डी सी में.
इन ट्रायंगल एडीसी में इफ अगर आपका ओई पैरेलल टू एबी है बाय कंस्ट्रक्शन और एबी पैरेलल टू सीडी है तो देन यू कैन से ओई पैरेलल टू सीडी आल्सो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द अनदर लाइन दैट देन इट इज पैरेलल टू द नेक्स्ट थर्ड लाइन भी आप इसको कह सकते हो. मतलब कि अगर एक लाइन इसके पैरेलल है और फर्स्ट लाइन इस लाइन के पैरेलल है देन यू कैन से ओई पैरेलल टू सीडी आल्सो. तो अब आपके प्रोपोर्शन क्या बनेंगे यहां पर ए अपॉन ईडी इक्वल टू ओए अपॉन ओसी. इसे आपने नंबर टू दे दिया. तो फ्रॉम वन एंड टू व्हाट वी विल गेट फ्रॉम आप इसे कंपेयर कर दो दोनों इक्वेशन को. फ्रॉम वन एंड टू वी गेट दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल है तो देन द राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल. सो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी. लेकिन आपको लाना क्या था यहां पर वो देखो ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी या डी ओ या ओ डी सेम चीज है. तो आप इसको किस तरह से चेंज करोगे मैं ओ बी को इधर ले आई हूं और ओ सी को हम इधर ले गए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन ऑल्सो चेंज. सो ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी. और ये कौन सी थ्योरम मैंने यूज की है वो जरूर लिखना. बाय थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो या बाय बीपीटी थ्योरम भी लिख सकते हो. ओके एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन ये दे रखा था लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है उसमें उसका रिवर्स दे रखा है. ये चीज आपको गिवन है और आपको क्या प्रूव करना है आपको ट्रेपीजियम प्रूव करना है. इट मींस यू हैव टू ब्रिंग आपको क्या लाना है वहां पर एबीसीडी के पैरेलल लाओगे तो एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम आ जाएगा. तो उसमें जो थ्योरम लगेगी वो इसका कन्वर्स लगेगी क्योंकि व्हेन यू आर गिवन इन द क्वेश्चन अगर प्रोपोर्शन दिए होते हैं तो जो लाइन होती है वो पैरेलल हो जाती है. तो अगर उसमें भी सेम प्रोसेस कंस्ट्रक्शन करोगे ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी. तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है देन अगेन यू विल टेक अनदर ट्रायंगल तो यहां से एक लाइन और ड्रॉ कर देना तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी. देन यू कैन से ए बी पैरेलल टू सी डी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है और ये वाला क्वेश्चन आपका यूजिंग द बीपीटी थ्योरम यू यूज आपने क्या प्रपोर्शन आपको लाने थे ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी. नाउ आई एम टेकिंग द सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एडिशनल क्वेश्चन आई एम टेकिंग नाउ एंड सी ऑल द क्वेश्चन क्योंकि बेस इस एक्सरसाइज का पहले कंप्लीट होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज रिलेट किससे कर रही थी. ये सारे क्वेश्चन थे थियोरटिकल और ज्यादातर इस एक्सरसाइज में से एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आते हैं वो आज आपको मैं बता रही हूं. हम क्वेश्चन ले रहे हैं एक फिगर में ड्रॉ कर रही हूं. फिगर आप अपने अपनी कॉपीज में अभी ड्रॉ करो साथ साथ और आप खुद भी फाइंड आउट करके देखो. मैं यहां पर स्टेटमेंट भी लिख रही हूँ साथ साथ. इन द क्वेश्चन यू हैव गिवन इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि डी पैरेलल टू बीसी. मैं क्वेश्चन साथ साथ लिख रही हूँ डी पैरेलल टू बीसी. और आपको ये भी दे रखा है इफ ए डी इक्वल टू एक्स और डी बी इक्वल टू एक्स माइनस टू. नोट करो क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करो साथ में. ए इक्वल टू एक्स प्लस टू और ए इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड ई सी इक्वल टू एक्स माइनस वन and you have to find the value of x. Find the
वैल्यू ऑफ एक्स. अब बीपीटी थ्योरम यूज करके आप एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओनली इन दिस क्वेश्चन एक ही क्लू आपके पास दे रखा है कि डी ई जो है वो बीसी के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है. और आपके पास क्या क्या गिवन है? एडी है एक्स और डीबी है एक्स माइनस टू और ए है एक्स प्लस टू और ईसी है एक्स माइनस वन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसी तरह से अभी मैं बीपीटी थ्योरम आपको प्रूव करके बता रही थी कि इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यहां पर लिखो ट्रायंगल एबीसी में इफ डी पैरेलल टू बीसी है, अगर डी बीसी के पैरेलल है देन प्रोपोर्शन क्या बनेंगे अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम? एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी. ये तो सिंपल क्वेश्चन था, एक सिंपल लेके चल रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट थोड़े थोड़े चेंज आएंगे सब क्वेश्चंस में, तो आप देखना कि कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं. अब यहां पर वैल्यू पुट करो, एडी की वैल्यू एक्स है और डीबी की वैल्यू एक्स माइनस टू है और ए की वैल्यू एक्स प्लस टू है और ईसी की वैल्यू एक्स माइनस वन है. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं देन दे विल डू द मिस्टेक. क्या गलती करते हैं? ये एक्स माइनस टू है, यहां पर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर थोड़ा रिफ्लेक्शन आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इधर लिख देती हूँ. एडी है एक्स और डीबी है एक्स माइनस टू और ए है आपका एक्स प्लस टू और डीबी है सॉरी ईसी है आपका एक्स माइनस वन. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स को एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स माइनस टू को एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी क्या बनती है? एक ए माइनस बी है, एक ए प्लस बी है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. तो आपका एक्स की वैल्यू क्या निकल आएगी इस क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फोर, माइनस से माइनस कैंसल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4. तो ये क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया? ओनली यूजिंग द बीपीटी थ्योरम यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन. अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन चेंज लेते हैं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट और ये नोट कर लो फिगर और एक बार दोबारा से सोल्यूशन अपने आप फाइंड आउट करके देखना. नाउ क्वेश्चन में दे रखा है एल एम पैरेलल टू ए बी, पहले क्वेश्चन नोट कर लो और एल इक्वल टू एक्स माइनस थ्री और ए सी इक्वल टू टू एक्स और बी एम इक्वल टू एक्स माइनस टू. फिगर आपको खुद ड्रॉ करनी है इस क्वेश्चन में और बी सी इक्वल टू 2x plus 3 and you have to find the value of x. आपको x की value find करनी है. तो यहां पर LM parallel to AB दे रखा है, एक triangle ABC है और LM parallel to AB is given in the question. यहाँ पर एल एम पैरेलल टू ए बी. अब जो जो चीजें हमें पहले दे रखी हैं उसे हम क्वेश्चन की फिगर में शो करते हैं. तो यहाँ पर ए एल कितना दे रखा है? एक्स माइनस थ्री. ए सी कितना दे रखा है? पूरा ए सी. अब आपके पास एल सी नहीं दे रखा, ये ध्यान रखना. जब एल सी नहीं दे रखा तो कैसे निकालेंगे हम? ए सी कितना दे रखा है? टू एक्स. और किस तरह से
बीपीटी की क्रोलरली यूज करके हम कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और बीएम दे रखा है एक्स माइनस टू, मैंने आपको प्लस वन लगा के बताया था कि कैसे हम पूरी साइड लाते हैं, कि अगर मुझे ए एल अपॉन में ए सी लाना है या बी एम अपॉन में बी सी लाना है तो प्लस वन करके जो भी आपको लाना होता है पूरी साइड लानी होती है, तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। बी एम है आपका एक्स माइनस टू और बी सी है आपका टू एक्स प्लस थ्री एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो बीपीटी थ्योरम का रूल है पहले हम वो लिखेंगे कि बीपीटी थ्योरम क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द डिस्टिंक्ट रेशियो। यहां पर 2x प्लस 3 जो है वो BC है, ये मैंने यहां पर लिख दिया है, और यहां पर 2x जो है वो AC है। ये 2x नहीं है, ये CM नहीं है, पूरी BC है। तो अब हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो जो अकॉर्डिंग टू द BPT थ्योरम पहले हम रूल लिखेंगे LM पैरेलल टू AB, ये गिवन है। तो प्रोपोर्शन क्या बनते हैं, पहले हम प्रोपोर्शन बनाएंगे। क्या प्रोपोर्शन बनते हैं, CL अपॉन में AL इक्वल टू सी एम अपॉन में बी एम, ये प्रोपोर्शन बनते हैं। और अब हमें गिवन क्या है, यहां पर हमें गिवन क्या है, आप इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो या इसी तरह से सॉल्व करके भी लिख सकते हो। तो अब हमारे पास जो सी एल है अगर मैं उसको इस तरह से लिख दू ए सी माइनस ए एल, तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू मतलब की वैल्यू इजिली निकाल पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर हमारा सी एल को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ए सी माइनस ए एल और अपॉन में है ए एल, और सी एम की जगह मैं बी सी माइनस बी एम लिख सकती हूँ अपॉन में बी एम या एम जी, बात एक ही है। पुट दीज वैल्यू, जो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हम पुट करेंगे। हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है, टू एक्स दे रखी है, और ए एल की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स माइनस थ्री, और बी सॉरी ए सी की वैल्यू टू एक्स है और अभी ए एल की वैल्यू पुट नहीं करी है यहाँ पर एक्स माइनस थ्री, और फिर पूरे के नीचे भी क्या है एक्स माइनस थ्री, ये सारा साथ साथ लिखना है आपको। नाउ बीसी की वैल्यू क्या दे रखी है, टू एक्स प्लस थ्री, और बीएम की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स माइनस टू, और माइनस बाहर है तो इस तरह से मत लिख देना कि माइनस एक्स माइनस टू, इस तरह से नहीं, पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा माइनस साइन है, देन माइनस साइन ब्रैकेट में जाएगा तो माइनस ये वाला माइनस टू क्या बन जाएगा, प्लस टू बन जाएगा, और हमारे पास बी एम की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अभी यही करते हैं, माइनस अंदर ले जाओ, टू एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन में एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स माइनस टू। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देखो सी एल जो था वो कैसे आ सकता है ए सी में से ए एल माइनस करके, और सी एम कैसे आ सकता है बी सी में से बी एम माइनस करके। नाउ वी विल पुट द वैल्यू, ए सी की वैल्यू थी टू एक्स और ए एल की वैल्यू थी एक्स माइनस थ्री, और माइनस बाहर है तो वी विल पुट हेयर माइनस, और सिमिलरली बी सी की वैल्यू है टू एक्स प्लस थ्री और बी एम की वैल्यू है एक्स माइनस टू, और यहाँ पर भी बी एम की वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करो, टू एक्स में से एक्स चला गया एक्स और प्लस थ्री अपॉन में एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टू एक्स में से एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स, और थ्री प्लस टू क्या आ जाएगा, फाइव अपॉन में एक्स प्लस एक्स माइनस टू। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ बच्चे जब इस तरह के इक्वेशन आ जाती है तो इसको सॉल्व करते हैं तो सीधा एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स लिख देते हैं,
और पूरी तरह से इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस टू से, और एक्स प्लस फाइव को मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस थ्री से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, यहां पहले मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, एक्स को पहले एक्स से किया, फिर एक्स को माइनस टू से किया, और फिर थ्री को एक्स से किया, और फिर थ्री को माइनस टू से किया। सिमिलरली यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स को हमने एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस थ्री से करेंगे माइनस थ्री एक्स। ये फिगर मैं रब कर देती हूँ क्योंकि स्पेस अब कम हो रहा है यहाँ पर। और 5 को x से करेंगे प्लस 5x माइनस 15। नाउ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x में से 2x चला गया x माइनस 6, और 5x में से 3x चला गया 2x माइनस 15। तो 2x x को उधर ले जाते हैं और माइनस 15 को यहां पर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 15 में से 6 गया 9। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, हमारी x की वैल्यू क्या आ गई इस क्वेश्चन में, इक्वल टू 9। तो किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर पूरी लेंथ भी दे रखी है लेकिन यूज हमने कौन सी थ्योरम की है, बीपीटी थ्योरम ही यूज की है, और बीपीटी थ्योरम से ही हमने इसको क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, तो किस तरह से हम वैल्यू पुट करते हैं बीपीटी थ्योरम यूज करके, एक क्वेश्चन हम और लेंगे। क्वेश्चन नोट करते जाओ साथ साथ, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रही हूं मैं। देखो क्वेश्चन है, पी क्यू इज पैरेलल टू एम एम एंड यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन इफ के पी अपॉन पी एम, ध्यान से देखना क्या दे रखा है, इक्वल टू 4/30 एंड यू हैव टू फाइंड, एंड के एन इज ऑल्सो गिवन, kn is given 20.4, n को कैपिटल लेटर में लिख देती हूँ, 20.4 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ kq, आपको kq की वैल्यू फाइंड करनी है, और मैं फिगर साथ में बना के आपको दिखा रही हूँ, और ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, kmn ये एक ट्रायंगल था और इसमें PQ पैरेलल टू MN, PQ पैरेलल टू MN है, ये आपके पास गिवन है। और नाउ वी विल यूज द बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम से बार बार रिपीट करती हूँ, स्टेटमेंट को हमेशा दिमाग में बिठा के रख लेना, if a line is parallel to one side of a triangle then the other two sides are divided in the this same proportion, theek hai, wo other two sides ko agar different distinct point par intersect karta hai then the other two sides are divided in the same proportion. Sorry, now you will see, to proportion kya banenge, kp upon pm इक्वल टू के क्यू अपॉन में क्यू एन। अब हमारे पास गिवन क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में पहले, क्योंकि वन मार्क्स का भी अगर आपका ये क्वेश्चन है तो विदाउट सॉल्व यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू के क्यू की फाइंड करनी है तो बिना सॉल्व किए तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तो आप पूरा प्रोसेस लगाएंगे तब आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकेंगे। आपके पास KP अपॉन PM ये रेशो दे रखा है 4/30, ये दोनों चीज दे रखी थी,
और के क्यू जो है वो आपको दे नहीं रखा, वैल्यू फाइंड करनी है, और क्यू एन जो है आपके पास पूरा के एन दे रखा है। और जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट वाला, उसमें हमने क्या किया था, मुझे यहाँ क्यू एन की वैल्यू चाहिए, तो क्यू एन की वैल्यू कैसे आ सकती है, अगर मैं के एन में से क्यू के क्यू माइनस कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू एन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, के एन माइनस के क्यू। तो मैंने इसको किस तरह से लिख दिया, के एन माइनस के क्यू, क्योंकि मेरे पास के एन की वैल्यू जो है 20.4 इन दिस क्वेश्चन इज गिवन। सो 4/13 इक्वल टू के क्यू, और के एन की वैल्यू है 20.4। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को हमने 20.4 से भी मल्टीप्लाई करने हैं और के क्यू से भी मल्टीप्लाई करने, ठीक है, और 13 को के क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 13 के क्यू। अब हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपका 81.6 माइनस 4 के क्यू, क्योंकि 4 को आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 13 के क्यू। अब इसको ट्रांसपोज कर दो इधर, 4 के क्यू जब 13 के क्यू के साथ ट्रांसफर होगा तो आपका आ जाएगा 17 के क्यू, और ये है आपका 81.6। तो के क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 81.6 अपॉन में 17 4 जा 68, यहाँ पर डिवाइड करके देख लेती हूँ, और ये आपका कितना बच गया है, पॉइंट यहाँ लग गया, तो ये आ जाएगा आपका 4.8। तो के क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4.8। यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन, और अगर सिर्फ स्टेटमेंट नोट करनी है, क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया है, यू विल अगेन नोट डाउन दिस स्टेटमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ अगेन। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज जहां पर बीपीटी थ्योरम यूज करके, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, तो किस तरह से वैल्यू जो है आप फाइंड आउट करते हो, ये मैंने इन क्वेश्चंस में आपको बताया। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, नोट करो स्टेटमेंट, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में इफ डी पैरेलल टू बीसी, अगर डी बीसी के पैरेलल है, और एडी अपॉन डीबी यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन, अगर एडी अपॉन डीबी यू हैव गिवन 3/5, देन यू हैव टू फाइंड इफ एसी इज ऑल्सो इक्वल टू 5.6, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एई। आपको ए ई की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है। मैं यहां पर फिगर ड्रॉ कर रही हूं, बट यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्ट, आपके पास डी पैरेलल टू बीसी है, ये पैरेलल है बीसी के, तो अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम पहले आपके प्रोपोर्शन क्या बनेंगे, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। जैसे ये क्वेश्चन कराया था सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, बट यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन में भी एसी की वैल्यू दे रखी है 5.6। अब हमारे पास ए अपॉन ईसी, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहां पर फाइंड करनी है, और ईसी की जगह, यहां पर ईसी की जगह मैं इस तरह से जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, ईसी की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एसी में से ए माइनस करके, तो हम वही यूज करेंगे जैसे इस स्टेप में किया था हमने, एडी आपके पास दे रखा है, एडी अपॉन डीबी कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3/5, और ए जो है
वो हमें फाइंड आउट करना है. और ईसी की जगह आई कैन राइट हियर ए सी माइनस ए ई, क्योंकि मेरे पास ए सी जो है वो गिवन है, और मैं अगर यहाँ पर ए सी माइनस ए लिख देती हूँ तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेरी इजिली. कैसे फाइंड करेंगे हम? 3/5 इक्वल टू ए ई, और ए सी की वैल्यू है 5.6. आई होप ये आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे. ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बट इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना. क्योंकि ये पूरा एक इक्वेशन है, मान लो यहाँ पर ए की जगह एक्स लिखा होता तो मैं मुझे 5.6 को भी मल्टीप्लाई करना था और एक्स से भी मल्टीप्लाई करना था. इक्वल टू 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5ae. और कुछ बच्चे अगर जैसे हम 5 को ए से मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से लिख देते हैं ae5. लेकिन हमेशा न्यूमेरिकल नंबर पहले आता है, ठीक है, और लेटर जो नंबर होता है, वेरिएबल जो होता है, वो उसे हम बाद में लिखते हैं, ठीक है. तो 3 को 5.6 से मल्टीप्लाई करो, 16.8 माइनस 3ae इक्वल टू 5ae. नाउ 3ae को इधर ट्रांसपोज कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा? 8ae आ जाएगा, और ये है आपका 16.8. तो ए की वैल्यू क्या आ गई क्वेश्चन में? 16.8 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर. नाउ